बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि असम में NRC हो चुका है, तो मैं आपको बस एक छोटी सी कहानी बताऊंगी कि NRC के दौरान क्या क्या हुआ। बहुत लोगों ने पढ़ा है, हमने देखा है अपनी आँखों से कि वहाँ क्या क्या हुआ है। तो वहाँ पे जो हाहाकार मचा हुआ था, हम नहीं चाहते पूरे देश में वो हाहाकार मचे, तो हम इसीलिए लड़ रहे हैं कि हम उस हाहाकार से बच सकें। एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। मैं एक औरत थी जो एक छोटी सी गांव में पैदा हुई, उसके बाद उनकी शादी हो गई, लेकिन वो शादी उनके हस्बैंड बहुत मारते पीटते थे, तो वो एक दो साल में वापस आ गए अपने माँ बाप के घर एक छोटे से बच्चे को लेके। तो NRC के टाइम में वो बहुत परेशान हो गई, पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये कैसे प्रूफ करूँ कि मैं यही की नागरिक हूँ। तो उसके पास कुछ कागज़ था, उसको नहीं पढ़ना आता था, तो वो कागज़ लेके हर जगह घूमती थी और कोई भी मिल जाए तो पकड़ के पूछती थी, ये मेरी कागज़ है, क्या ये प्रूफ कर देंगे कि मैं इसी देश की हूँ, मैं यही पैदा हुई हूँ, मैं इसी गाँव में पैदा हुई हूँ, मुझे मेरा घर जानते हो ना तुम, वो जो एक बड़ा सा आम का पेड़ था जो आम सब लोग खाते थे, अभी तो वो आम का पेड़ नहीं रहा, उसी के नीचे एक छोटा सा घर था तब हमारा, उसी में मैं पैदा हुई थी, ये कागज़ ये प्रूफ कर देंगे ना कि मैं वही पैदा हुई हूँ, मैं इसी देश की नागरिक हूँ। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये सिर्फ एक औरत की नहीं है, वहाँ की हर औरत की ये सिचुएशन है, वहाँ के हर किसान की, हर मजदूर की ये सिचुएशन रही है। और उसके बाद अब आप लोग देख सकते हैं कि डिटेंशन कैंप में कितने सारे लोग हैं, और ये जो मियाँ पोइट्री है ये उसी समय की देन है, उन्हीं के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए बहुत लोगों ने कविताएं लिखी, उन्हीं को मियाँ लैंग्वेज में लिखी, जिनको मियाँ पोइट्री कहा जाता है। उनमें से मैं एक कविता पढ़ना चाहूँगी। इन हालातों को देख के एक कवि क्या कह सकता है, अपने गुस्से को बयां करने के लिए क्या कह सकता है। कवि कहता है कि मैं इस देश का हूँ, ये देश मेरा है, लेकिन मैं इस देश का नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं इस देश का हूँ, लेकिन ये देश मुझे नहीं अपना रहा है। मैं क्या प्रूफ दूँ कि मैं इस देश का हूँ। कविता का नाम है वो देश मेरा है, मैं उस देश का नहीं। कवि है काजी नीर। जो देश मेरे बाप को विदेशी बनाता है, जो देश मेरे भाई को गोली से मार देता है, जिस देश में सामूहिक बलात्कार से मेरी बहन मर जाती है, जिस देश में मेरी माँ अपने सीने में आग लिए रहती है, वो देश मेरा है, मैं उस देश का नहीं। जिस देश में लुंगी पहनने का अधिकार नहीं है, जिस देश में क्रंदन सुनने के लिए कोई नहीं है, जिस देश में सच बोलने पर भूत पीटता है, जिस देश में आजीवन हमारा दासत्व मांगता है, वो देश मेरा है, मैं उस देश का नहीं। जिस देश में टोपी पहनना मतलब मौलवी होना, जिस देश में मियां मतलब नीच जाति, जिस देश में कछार के लोग मतलब बांग्लादेशी, जो देश टाटा बिरला अंबानी के हाथों बिक जाता है, वो देश मेरा है, मैं उस देश का नहीं। जिस देश में हमारी लाश काट कर नदी में बहा दिया जाता है, जिस देश में 83 के लोगों की हत्या कर जल्लादों द्वारा उत्सव मनाया जाता है, वो देश मेरा है, मैं उस देश का नहीं। जिस देश में मेरी ज़मीन जायदाद उच्छेद कर दिया जाता है, जिस देश में मेरी अस्तित्व को नकारा जाता है, जिस देश में मुझे अंधेरे में रखने की साजिश रचता है, जो देश मेरी थाली में खाने के बदले पत्थर रखना चाहता है, वो देश मेरा है, मैं उस देश का नहीं। जिस देश में चिल्ला कर गला फाड़ देने पर भी कोई नहीं सुनता, जिस देश में मेरे कत्ल का कोई दोषी नहीं है, जिस देश में मेरे बेटे के कफन की राजनीति चलती है, जिस देश में मेरी बेटी के इज्जत से खेला जाता है, जिस देश में मैं जानवर की तरह जीता हूँ, वो देश मेरा है, मैं उस देश का नहीं हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।